दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरे संसार का क्रिकेट बंद है, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई लगातार क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर रही है। और जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन इस बुरे दौर के बीच आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं IPL फैंस को बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। और इस खुशखबरी के साथ ही हमें IPL 2020 की होस्टिंग के ऊपर और साथ ही साथ स्टार्टिंग डेट के ऊपर काफी हिंट्स के बारे में पता चल रहा है। और इस वीडियो में हम इस पूरी रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द ही IPL 2020 की शुरुआत हो जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। भारत में कोविड 19 के 56,000 प्लस पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं और लगभग 1900 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में बिलहाल भारत के हालात बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और भारत सरकार यहाँ पर भारत को कोविड 19 से बचाने के लिए लगातार लॉकडाउन को बढ़ा रही है। और लॉकडाउन के साथ साथ आईपीएल 2020 स्टार्टिंग डेट को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। फिलहाल बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को फर्दर नोटिस तक सस्पेंड कर रखा है, यानी जब तक भारत सरकार आईपीएल 2020 के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं देती है तब तक आईपीएल 2020 को सस्पेंड कर रखा है। लेकिन अभी आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि आज बीसीसीआई अध्यक्ष अरुण धूमल ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर उन्होंने ऐसा साफ किया कि क्रिकेट को दोबारा से शुरू करने के लिए बीसीसीआई फिलहाल भरपूर प्रयास कर रही है। आईपीएल 2020 की शुरुआत हमें जल्द ही क्लोज डोर स्टेडियम्स में देखने को मिल सकती है, उन्होंने ऐसा दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले 14 दिन के लिए सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में डाला जाएगा और उसके बाद यह सीरीज होस्ट की जा सकती है। हालांकि यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बड़ी रिपोर्ट यहां पर नहीं आई है, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी अरुण धूमल ने यही दावा किया है कि भारत में जल्द ही क्रिकेट की दोबारा से शुरुआत क्लोज डोर स्टेडियम्स में यानी बिना ऑडियंस के होने वाली है। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अब क्रिकेट को दोबारा से शुरू करने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है और मई के अंत में वहां पर क्रिकेट के प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर जुलाई के महीने में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की सीरीज भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं हमें जल्द ही यहां पर आईपीएल 2020 का शेड्यूल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीसीसीआई के अधिकारी जिस तरह से लगातार दावे कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल 2020 की शुरुआत क्लोज डोर स्टेडियम्स में बिना ऑडियंस के करने वाली है। लेकिन दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.